नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार पब्लिक हमारे साथ जुड़ चुकी है, एक और लड़की हमारे साथ जुड़ी है। आइए इनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम, आपका नाम? अर्शनू कौर। मैम, कितने टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं? मैं यहाँ स्टार्टिंग से हूँ, 16 to 17 ईयर्स। आपको डेरे का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? एनवायरनमेंट बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और सब बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। कैसा एनवायरनमेंट है डेरा सच्चा सौदा का? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सभी मानवता भलाई के कार्य में हमें बहुत इनक्रेज करते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि समाज को कैसे सुधार सकते हैं। मैम, आप एक लड़की हो, बींग अ गर्ल, आप अपने आप को कैसा फील करते हो डेरा सच्चा सौदा में? कैसी सेफ्टी लगती है आपको डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों की? यहाँ हम बहुत सेफ़ फील करते हैं, और ये नहीं कि हम लड़कियाँ हैं तो हमें सेफ्टी के ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं हमारे स्कूल में, और कैसे जवाब देना है, कैसे अपने मैनर्स में रहना है, पर किसी से डर के नहीं रहना है। तो हमें ये सब हमारे स्कूल में। गुरु जी आप लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, आप हमें बताएंगे? हमें एक गुरु की तरह और एक पापा की तरह ट्रीट करते हैं, हमें एक गुरु की तरह गाइड करते हैं और पापा की तरह प्यार भी करते हैं। मैम, फिर संची के ऊपर ऐसे एलिगेशंस क्यों लगाए गए, क्यों मतलब उन्हें टारगेट किया गया? जो दुनिया बदलना चाहते हैं उन पर अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, और हमें कोई परवाह नहीं कि कोई कुछ क्या बोलता है, हमें पता है कि सच्चाई क्या है। मैम, समाज के लिए क्या कार्य किए उन्होंने, क्या मानवता भलाई के कार्य जो उन्होंने समाज के लिए किए थे? हमारे 138 मानवता भलाई के कार्य हैं, और जिसमें हेल्थ, ट्री प्लांटेशन सब कुछ कवर होता है। तो दुनिया को सुधारने के लिए पिताजी बहुत कुछ करते हैं। मैम, जैसे कि अब 4 साल से संजीव समाज में नहीं है, इस चीज़ का आपके अकॉर्डिंग क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशली? हमारे साथ तो वो हमेशा ही हैं, तो इम्पैक्ट तो पड़ता है, पर हमें पिताजी लेटर भेजते रहते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है अच्छे काम करने की। आप इतने मोटिवेशन वर्क्स के लिए किससे इंस्पायर होते हो, कौन है आपकी इंस्पिरेशन? ऑफकोर्स हमारे गुरु पापा सन डॉक्टर गुरमीत राम नहीं सिंह जी से। मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे, संत जी के लिए गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे? कि हमारे पिताजी निर्दोष हैं, और प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी हमारे बीच आने दीजिए। तो दोस्तों देखिए, एक लड़की है, एक एजुकेटेड लड़की है, और इनका यही कहना है कि गुरुजी ने स्टडी टिप्स, प्लेइंग की टिप्स, और वो इन्हें पापा की तरह भी ट्रीट करते थे, फिर क्यों ऐसे संत जी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए? आप भी इस बारे में ज़रूर सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई। धन्यवाद।